तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं Xtreme 125 में, इसमें जो डिस्प्ले जो रहता है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया हुआ है, और भी टाइमिंग सेट कैसे होता है, आज पूरा वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कहीं कि हम इसी तरह का वीडियो का रिव्यू लेके आते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है पूरा डिजिटल मीटर के साथ में आता है। डिजिटल मीटर में क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है आपको पूरा बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, प्लस ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी भी दिया हुआ है, उसे ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो टाइमिंग सेट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, एक एस मोड दिया हुआ है और एक एम मोड दिया हुआ है। तो एस से आप सेट कर सकते हैं, एम से आप ट्रिप मीटर को बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एम को क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपका ये Trip 1, Trip 2 इस तरह का आपका ये, इससे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग को सेट करना है तो टाइमिंग सेट करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों मोड को एक साथ में आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका आ गया, जैसे देखिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ सेट करने के लिए जैसे अभी जो भी समय हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका अभी 10 बज गया है, और मिनट में अगर देखेंगे, अगर आपको ये साइड बढ़ना है तो फिर एस को आपको दबाना है। तो एस को दबाने देखते यहाँ पे हो गया आपका, फिर आप यहाँ पे मिनट को सेट कर सकते हैं। तो जैसे मांग चलिए 10:55 हो गया, अब उसके बाद इसको सेट कर दीजिए। तो ये आपका टाइमिंग सेट हो गया। अब आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। तो ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होगा, अब वीडियो के माध्यम से भी आप बने हुए रहिएगा, आगे और बता रहे हैं आपको। तो चलिए आप बताते हैं कि ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करिएगा। तो इसका मेरा स्क्रीन में आ रहा होगा, स्क्रीन में आप देख सकते हैं, स्क्रीन हम ऑन कर दिए तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद में क्या है कि आपको हीरो जो एप्स है, हीरो एप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हीरो एप्स आप सर्च मारिएगा, तो देखिए हीरो एप्स, देखिए हम पहले से इसको इंस्टॉल किए हुए हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये हो जाएगा, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपका एक मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। मोबाइल नंबर जो आप लेने समय जो नंबर दिए थे, वही नंबर आपको डालना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का आपका आ जाएगा Xtreme 125। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे जाएंगे। तो देखिए जिस कस्टमर के नाम पे गाड़ी के नाम पे बिलिंग होगा, उसी नाम पे आपका इसमें शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें आप डेट ऑफ बर्थ, ये सब अपना जो भी ब्लड ग्रुप, ये सब अपना सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद देख सकते हैं, आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार आएगा, लोकेशन मांगा जाएगा। तो लोकेशन सबसे पहले आप ऑन कर लीजिएगा अपना, उसके बाद फिर प्रोसेस में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्विक का हम लोग कार है, अभी आने वाला है, उसी का यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे एक्टिव वारंटी कर दीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ लोकेशन है, SMS और ब्लूटूथ। देखिए ये सबको आपको पूरा अलाउ देना है, आपका मतलब सिस्टम से आपको पूरा अलाउ करना है। फिर आप यहाँ पे जाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे आपका SMS कॉलिंग का भी आपको पूरा सिस्टम में आपका अलाउ देना है, फिर ब्लूटूथ का भी ये अलाउ इसको देना है। देखिए ये हो गया, बाकी ये ऑप्शनल है, इसको आपको देने की वैसा आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद ये मैं क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार का आपका सिंबल कर रहा होगा, डिस्प्ले में भी आपको मिल रहा होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक्सट्रीम का जो है आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं, फिर से इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए वहाँ ब्लूटूथ का सिंबल भी आ गया है। तो आपका देखते हैं इसमें ब्लूटूथ जो यहाँ पे सर्च वाइज लिए हुए हैं, इसमें आ जाएगा आपका ब्लूटूथ को ऑन ऑफ एक बार कर लीजिए, उसके बाद अलावा में कर लीजिए। कभी कभी सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे सर्च ले रहा है इतना समय, तो थोड़ा सा प्रयास किए, लेकिन 5G फोन या सैमसंग का फोन, इस सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू होता है। तो इशू करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ ऑन है। आप सबसे पहले अपना ब्लूटूथ में जाएंगे, ब्लूटूथ में जाने के बाद मोर सेटिंग में जाएंगे। मोर सेटिंग में जाने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का सिंबल कर रहा होगा आपका, सॉरी ये वाला मैं क्लिक हो गया। देखिए इसमें आपको जाना है, इसमें
सेटिंग को फिर से अवेलेबल करते हैं, फिर आ गया इसमें प्रिपेयरिंग में। देखिए आपको वहां पे कुछ सिंबल आ गया होगा, कोड आ गया होगा, क्या कोड आया है 2462 41। उसके बाद सारा अलाउ कर देना है आपको। अलाउ कर देने के बाद में देखिए यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ से, तो यहाँ पे आपका कनेक्ट हो गया अनिस। बाकी देखिए फाइनली आपका कनेक्ट हो गया, इसमें आपका देखिए ब्लूटूथ का सिंबल भी दिख रहा होगा और एक कॉलिंग वाला ये भी दिख रहा होगा आपका, प्लस जो बैटरी चार्ज कितना है आपका फ़ोन का वो भी शो कर रहा होगा। अगर आपका कोई अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, हम उनको बताएंगे कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो आए दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।